Realme की तरफ से काफी सारे दमदार फीचर्स और फ्लेक्सिबल किलर AI स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होने वाला है 20 जून 2024 को एक नया स्मार्टफोन Realme GT6। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये फोन हमें इंडियन मार्केट में कितने प्राइस पर मिलने वाला है। तो इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न हो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो इस फोन का बिल्ड हमें नॉर्मली देखने को मिलेगा क्योंकि इस फोन का बैक में प्लास्टिक रहेगा एंड इस फोन का फ्रेम भी प्लास्टिक का ही दिया गया है, लेकिन इस फोन के डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो इस फोन का बैक पैनल कर्वी टाइप का रहने वाला है एंड इस फोन का ज्यादातर डिजाइन Realme GT60 के ही तरह रहने वाला है। और अगर आपने Realme GT60 के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में हमें सेंटर पंचोल कैमरा कटआउट वाला डिस्प्ले दिया गया है जिसमें बेजल्स और चेंज भी काफी ज्यादा पतले मिलने वाले हैं। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में दिया गया है 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ OLED डिस्प्ले। एनडी डिस्प्ले 10 BD डिस्प्ले है तो आपको कलर्स वगैरह काफी बढ़िया मिल जाएंगे। एंड इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है 6000 निट्स, तो इंडोर विजिबिलिटी एंड आउटडोर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही डिस्प्ले सपोर्ट करेगा वाइड वाइन एंड 1HDR10+ का फीचर। तो इस फोन का डिस्प्ले भी काफी ज्यादा बढ़िया दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है एंड इस फोन का प्राइमरी कैमरा सेंसर रहेगा 50 MP का सोनी LYT808 टेलीफोटो OIS कैमरा एंड एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और एक तीसरा कैमरा रहेगा हाइपरटोन इमेज इंजन के लिए। तो इस फोन में कैमरा काफी बढ़िया मिल जाता है। एंड अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन में 32 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। तो इस फोन के बैक कैमरे एंड फ्रंट कैमरे दोनों ही कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30 FPS तक। साथ ही बात करें इस फोन के स्पीकर्स एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस फोन में दिया गया है डुअल स्टीरियो स्पीकर, तो साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो आपको इस फोन से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बढ़िया मिलेगा बिकॉज 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले दिया गया है एंड ये कर्व्ड डिस्प्ले है। साथ ही HDR10+ और वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन है, तो आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी कोई भी कमी नहीं मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज एंड कलर वेरिएंट्स के बारे में। तो ये फोन लॉन्च होगा 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ, जिसका बेस वेरिएंट रहेगा 8GB RAM + 256GB स्टोरेज एंड टॉप वेरिएंट रहेगा 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, जिसमें हमें मिलेगा LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 रोम टाइप। एंड ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, यानी कि इस फोन में आप माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। साथ ही ये फोन लॉन्च होगा 2 कलर वेरिएंट के साथ, ग्रीन एंड सिल्वर। और नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन के सिक्योरिटी फीचर्स एंड सेंसर्स के बारे में। तो इस फोन में मिल जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और पिन पैटर्न। साथ ही सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, इस फोन में हमें सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो ये इस फोन का हाइलाइटिंग फीचर है क्योंकि इस फोन में दिया गया है 5500 mAh बैटरी विथ 120W सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट। एंड बढ़िया बात ये है कि आपको 120W का चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड अगेन बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटिंग फीचर यानी कि इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर, जो कि बेस्ट है 4nm टेक्नोलॉजी पर एंड इस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर है 1.5 million+। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, एनर्जी इफिशियंट है, बैटरी का बैकअप बढ़िया देखने को मिलेगा एंड हीटिंग का इशू भी देखने को नहीं मिलता है। और यही सेम प्रोसेसर Realme GT60 के भी अंदर देखने को मिलता है एंड हाल ही में लॉन्च हुआ था Xiaomi 14CV, उस स्मार्टफोन में भी हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने Xiaomi 14CV के ऊपर भी वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड OS अपडेट के बारे में। तो इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है एंड्रॉइड 14, जो कि बेस्ट रहेगा Realme UI 5.0 के ऊपर, बट इस फोन में थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं दिए गए हैं। साथ ही इस फोन में Realme की तरफ से 3 years का एंड्रॉइड OS अपडेट और 4 years का सिक्योरिटी पेच अपडेट भी दिया जाएगा। तो इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बढ़िया मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इस फोन
के अदर फीचर्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस फोन में दिया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डुअल वीसी कूलिंग सिस्टम, साथ ही इस फोन में आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है, एनएफसी का भी सपोर्ट दिया गया है और ये फोन सपोर्ट करेगा वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.4 का फीचर, तो इस फोन का कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा एंड आपको इस फोन में 9 5G के बैंड्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों रियलमी GT 6 के सारे स्पेसिफिकेशंस तो लगभग बढ़िया है, तो बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में। तो ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा 20 जून 2024 को फ्लिपकार्ट पे, जिसके बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का प्राइस रहेगा अराउंड 35,000 रुपीज। तो दोस्तों यही थे अपकमिंग रियलमी GT 6 के सारे स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स, और आप में कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे और आप कौन से फोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक की भी ना मत जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में।